हेलो नमस्कार, ब्रह्म कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का, और नियमितकरण की मांग भी वर्षों से करते आ रहे हैं, अभी भी नियमितकरण की मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितकरण किया जाए। और सरकार से एक ही मांग की जा रही कि समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। जैसे नियमित शिक्षकों को 65-70 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, अतिथि शिक्षकों को भी सैलरी दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। एक लाइव वार्ता भी आपको दिखाने वाला हूँ। मीडिया में अतिथि शिक्षकों ने क्या कहा, मीडिया ने जब सवाल किए तो उसका क्या जवाब दिया, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। टीचर्स यहां पर मौजूद हैं और ये जन सैलाब देख कर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन कई सालों से लगातार ये परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी वो मांग पूरी नहीं हुई है सरकार से। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि ऑल इंड्स हो, ये इन सभी की एक मांग है कि न केवल परमानेंट किया जाए बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी लागू किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर है और साथ ही साथ जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी मौजूद है। पिछले कई सालों से एक ही मांग लगातार दोहराते जा रहे हैं, बावजूद इसके सरकार क्यों नहीं पूरा कर। सर, सरकार की नियत और मनसा साफ नहीं है। जैसी सरकार की नियत साफ हो, मनसा साफ हो, तो कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ अतिथि अध्यापकों के साथ इस साल से सरकार जो है दोगला व्यवहार कर रही है। कहती कुछ है, पब्लिक में प्रचार करते हैं, गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहाँ इन्हें वोट लेना होता है हमारा हो या समान कार्य समान कहेंगे दिया। जी मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ये बार बार वादे करते हैं और दूसरे स्टेट में भी जाके कहते हैं कि हम अपने स्टेट में गेस्ट टीचरों के साथ कर चुके हैं, लेकिन वो झूठे वादे होते हैं। तो हम उनको याद दिला रहे हैं बार बार कि आप झूठ मत बोलिए दूसरे स्टेट में जाकर के, और समान काम समान वेतन लागू कीजिए। और जो हमारे लिए पॉलिसी बननी थी 58 साल की रेगुलराइज करने की, वो हमारे लिए आप पॉलिसी बना दीजिए। ठीक है, समान काम समान वेतन मिले, हमें भी समान काम समान वेतन मिले। परमानेंट टीचर 80 से लेके 1 लाख तक की सैलरी ले रहा है। लगातार अलग अलग वायदों के बावजूद भी जे अतिथि टीचर्स फिलहाल परमानेंट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए वो अब आगे कैसे अब आगे